क्या हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं रुको, किधर चला गया था तू? मम्मी मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ बोलो, नहीं सुनो, पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस। बोलो नहीं, चलो घर चलो, पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराए करके। बस अब भाईमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उससे मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, शक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ। बस उद्वंशक, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उद्वंशक, कहाँ लोक में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी। नहीं
नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उध्वंसक है ये, उध्वंसक। उध्वंसक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उध्वंसक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उध्वंसक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा? जाओ ध्वंसक और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार। भरियो, अपनी शक्तियों से उध्वंसक को ढूंढने की कोशिश करिए, जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ, एक काम कीजिए वायुपरी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनिपरी आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहां कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहां भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए।
काश मैं भी अपनी नेत्र शक्ति से तुम सबकी मदद कर पाती, पर मैं अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए नेत्र पर, मैं अपनी अंतर्दृष्टि इस हवा में मिला देता हूँ ताकि आप सब भी इसका इस्तेमाल कर पाए। पर बालवीर उसका क्या करें? इस भयमार को तो मैं देख लूंगा। आप सब तुरंत जाइए और उस उद्वंशक को ढूंढिए ताकि हम उसे बता सके कि अच्छाई की शक्ति किसी भी पहाड़ के सामने बहुत बड़ी होती है। जाइए। हाँ ज्वाला परी, नेत्र परी, आप भाईमार को लेकर वीर लोग जाइए और उसे वहां कैद कर दीजिए ताकि यह उद्वंशक को कोई भी निर्देश ना दे सके। जाइए। मुझे पता है तुम मेरा राज खोलकर काल लोग के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करेगी वो काल लोग की पहरानी तिमनासा करेगी। तुम भी गई हो तिमनासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। मैं कहा गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिमनासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिमनासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी, ज्वाला परी, आप भाईमार को लेकर वीरलोक जाइए, तब तक मैं और नेत्रपरी उद्वंशक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी चलिए, हमें उद्वंशक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो।
यहाँ? उद्वंशक को ढूंढ रही थी। ये तो उद्वंशक के रेंगने के निशान है। अरे ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। और देखते हैं। ये जरूर उद्वंशक की हरकत है। ये उद्वंशक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उद्वंशक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियो। स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों। आज का गरबा एकदम धरती फाड़ो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब सब लोग जो मैं करता हूँ वही कीजिए। 1, 2, 3 घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो उद्वंशक भी यहीं कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परी। हाँ। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी, तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते ना उड़ा दिए ना, तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल आज तोते किसके उड़ेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए, चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा।